हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी मैक्स मीन क्वेश्चन इन हैकर रैंक। सो यहाँ पे हमें क्या दिया है, गिवन यू विल गिवन अ लिस्ट इंटीजर अरे एंड ए सिंगल इंटीजर के यू मस्ट क्रिएट एन अरे ऑफ लेंथ के फ्रॉम इन एलिमेंट्स ऑफ अरे सच दैट इट्स अनफेयरनेस इज मिनिमाइज। कॉल द अरे ए आर आर डैश। अनफेयरनेस ऑफ द अरे इज कैलकुलेटेड एज मैक्सिमम ऑफ अरे ए आर आर डैश माइनस मिनिमम ऑफ ए आर आर डैश। सो लेट्स सी, दिस इज़ आवर एग्जाम्पल ए आर आर, और हमें क्या करना है के इक्वल टू 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 साइज के अरे एलिमेंट्स क्रिएट करने हैं, और ऐसा अरे एलिमेंट लेना है जिसके अनफेयर इज मिनिमाइज होने चाहिए। दैट मीन्स लेट्स टेक, अगर इस अरे में देखेंगे तो फोर एलिमेंट्स है, और टू साइज के अरे बनाएंगे तो कौन कौन से मिलेंगे हमें, 1.4, देन 1.7, देन 1.2 विल बी द अरे, नेक्स्ट वन इज 4.7, देन 4.2, देन 7.2। सो दिस आर द अरेज वी कैन गेट ऑफ टू साइज फ्रॉम दिस अरे। अभी क्या करना है, इन अरे में जिसका भी अनफेयरनेस मिनिमाइज है वह हमारा आंसर होगा। दैट मीन्स मैक्सिमम एलिमेंट माइनस मिनिमम एलिमेंट। सो इसमें थे दोनों दो ही एलिमेंट है, सो डिफरेंस देखेंगे। सो 4-1 विल बी 3, देन 7-1 विल बी 6, देन 2-1 विल बी 1, देन 7-4 विल बी 3, 2-4 विल बी 2, 7-2 विल बी 5। सो इसमें से देख सकते हैं हमें मिनिमम डिफरेंस का मिल रहा है यहाँ पे। सो दिस इज आवर आंसर, दैट इज 1 इज आवर आंसर एंड द अरे ऑफ साइज के विल बी 1.2। सो दिस इज वी हैव टू फाइंड, और यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज आवर अरे 10, 100, 30, 200 एंड 1000। अभी यहाँ पे थ्री साइज के अरे में देखना है, थ्री साइज के अरे में जो भी अनफेयरनेस मिनिमम आता है वो हमें प्रिंट करना है। तो इस अरे में अगर हम 10, 20, 30 लेंगे तो हमें अनफेयरनेस कम मिलेगा, दैट इज़ 20। उसी तरह यहाँ पे भी है 1, 2, 3, 4 से लेकर 200। यहाँ पे 10 साइज का अरे दिया है और हमें 4 साइज का अरे देखना है जिनका अनफेयरनेस कम होना चाहिए। सो 1, 2, 3, 4 विल बी द अरे, उन डिफरेंस विल बी 3। सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। If we see all the solution array, we can see there is minimum difference. यहाँ पे देख सकते हैं 1 एंड 2, यहाँ पे 1 का difference है। Next one is अगर इस यह देखेंगे 10, 20, 30, so इनके बीच में कितने का difference है, 10, 10 का difference है। Next one is 1, 2, 3, 4, यहाँ पे तो 1 का difference है। And next one is 2, 2, यहाँ पे 0 का difference, 1, 1, 0 का। And these are in the sorted manner. So what we can do, let us consider what we will do is, first step is we will sort the array. Sort the array. After sorting, what will be the array? So let's see, the array will be 1, 2, 4, 7. So this is our array after sorting. अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो दो एलिमेंट देखेंगे एडजेसेंट और उनका डिफरेंस निकालेंगे। सो लेट्स टेक, दिस इज 2, दिस इज 2 एलिमेंट एंड दिस आर द लास्ट 2 एलिमेंट्स। देन हियर वी कैन सी फर्स्ट अरे इज 1.2 और यह आंसर हमें क्या देगा, 1। नेक्स्ट वन इज 2.4, यह आंसर हमें 2 देगा। नेक्स्ट वन इज 4.7, दिस विल गिव अस आंसर 3। अब इसमें से मिनिमम हम प्रिंट करना है, दैट इज 1। सो दिस इज आवर आंसर 1। सो दिस इज 4, 1। देन नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे देखेंगे, अभी दिस इज आवर अरे, अगर हम इसे सॉर्ट करेंगे सो अरे विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिलेगा 10, 20, 30, 100, 200, 300, 1000। अभी यहाँ पे हमें 3 एलिमेंट्स पिक करने हैं।
So first 3 will be 10, 20, 30. So 10, 20, 30 will be the array. और इसका डिफरेंस हमें कितना मिलेगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम विल बी 10. नेक्स्ट वन इज दिस अरे 20, 30, 100, इसका डिफरेंस कितना आने वाला है, लेट अस सी. 20, 30, 100 डिफरेंस विल बी ऑब्वियसली 80. नेक्स्ट वन इज 30, 100, 200, द डिफरेंस इज इंक्रीजिंग, दैट इज 180. देन नेक्स्ट वन इज 100, 200, 300, डिफरेंस विल बी 200. देन नेक्स्ट वन इज 200, 300, 1000 एंड दिस विल बी 800. सो दिस इज लास्ट अरे ऑफ साइज 3. सो दिस आर द अरे वी कैन टेक एंड द मिनिमम इज आवर आंसर, दैट इज यहाँ पे 10 नहीं है, 20 डिफरेंस है, सॉरी यहाँ पे गलती हुई, 20 इज बिकॉज मैक्सिमम माइनस मिनिमम करना है, सो 20. सो इन दिस आंसर वी कैन से द मिनिमम डिफरेंस इज 20, दैट इज गिवन बाय 10, 20, 30. दिस इज ऑल्सो वी कैन टेक. एंड नाउ लेट्स सी दिस वन, यहाँ पे तो सॉर्टेड अरे में ही है, सो लेट्स टेक 1, 2, 3, 4, देन 10, 20, 30, 40, 100, 200. If we take first four elements, then array will be 1, 2, 3, 4. This will give us answer 4 minus 1, that is 3. Then again we will take 2, 3, 4, and 10. This will give us answer 8, and so on. The answer will be 3. So in this way we can also find. Let's take another example. If I will take here an example called 1, 4, 5, 3, and in this case our k is 2. So हमें 2 k की वैल्यू 2 दी है, और अगर अरे है यह है तो लेट्स वी हाउ कैन वी फाइंड. सो फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू सॉर्ट दिस 1, 3, 4, 5 एंड चेक adjacent to and their difference. So first array will be 1, 3, so yeah answer kya dega 2. Then next one is 3, 4, this will give us 1. Then 4, 5, this will give us 1. So in me se minimum kaun sa 1, so 1 will be the our answer. So now let's write code and understand. So फर्स्ट स्टेप क्या क्या था, मैंने सॉर्ट द लिस्ट. सो सॉर्ट कैसे करेंगे, कलेक्शंस डॉट या सॉर्ट इज सॉर्ट ए आर आर, दिस विल सॉर्ट द अरे. लेट्स टेक एग्जांपल, दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल 1, 4, 7, 2. सो लेट मी टेक हियर arr equals to 1, 4, 7, 2 and the k will be 2. So the sorted array equals to sorted arr equals to 1, 2, 4, 7. अभी हम क्या करेंगे, 2, 2 के पेयर को कंपेयर करेंगे. 1, 2 इसका डिफरेंस, 2, 4 इसका डिफरेंस एंड 4, 7 इसका डिफरेंस, और उनमें से मिनिमम लेंगे. सो यहाँ पे मैं इंटीजर मिनिमम लोगा, इंटीजर मिनिमम इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वी ए एल यू ई, इंटीजर मिनिमम इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू. सो फॉर लूप फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई इज लेस देन और इक्वल टू. अब हम क्या करें, 1, 2 देन 2, 4 का डिफरेंस देन 4, 7 का. सो हमें इस तक ही जाना है. सो 0, 1, 2, सो सेकंड इंडेक्स तक ही जाना है. सो यहाँ पे आई इज इक्वल टू एन माइनस के, हियर यू कैन सी द साइज इज 4, 4 माइनस 2 इज 2. सो 0, 1, 2 यार इस एलिमेंट तक ही हम डिफरेंस चेक करेंगे.
देन आई प्लस प्लस, देन यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, इफ इंटीजर INT difference equals to what will take arr dot get at position I plus k minus 1 minus arr dot get at position I. That means अगर यहाँ पे इस कंडीशन में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो से लेकर एन माइनस के तक, मीन्स एन की वैल्यू 4 एंड के की वैल्यू 2, सो आई विल बी लेस देन और इक्वल टू 2, देन आई प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या मिलेगा, आई प्लस के माइनस 1, आई कितना है 0, 0 प्लस 2 माइनस 1 दैट इज 1, सो ए आर आर डॉट गेट ऑफ पोजिशन 1 माइनस ए आर आर डॉट गेट ऑफ पोजिशन 0, दैट मीन्स 2 माइनस 1. अभी चेक करेंगे, इफ डिफरेंस इज स्मॉलर देन मिनिमम देन मिनिमम इक्वल्स टू डिफरेंस एंड एट द रेंट वी विल रिटर्न मिनिमम. सो ए आर आर 1 माइनस ए आर आर डॉट गेट ऑफ 0, दिस विल गिव्स 2 माइनस 1 equals to 2 minus 1 equals to 1 equals to 1. अभी चेक करेंगे क्या डिफरेंस इज स्मॉलर देन 1 है. हाँ है, क्योंकि यहाँ पे हमने मिनिमम को इंटीजर से मैक्सिमम वैल्यू से इनिशियलाइज किया था, सो इससे तो कम होगा ही. अब मिनिमम की वैल्यू अपडेट होके 1 हो जाएगी. अगेन आई विल बी इंक्रीमेंटेड, अगेन आई, अब आई की वैल्यू कितनी होगी 1, सो 1 प्लस 2 माइनस 1 इज 1 प्लस 2 इज 3 माइनस 1 दिस इज 2, और यहाँ पे आई की वैल्यू 1, दैट मीन्स वी विल चेक दिस एडजेसेंट पेयर. अभी 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2, अभी चेक करेंगे क्या 2 इज लेस देन मिनिमम 1, क्या 2 1 से लेस है, नहीं है, सो इफ ब्लॉक विल नॉट एग्जीक्यूटेड. देन नेक्स्ट वन आई विल बी इंक्रीमेंटेड and I value become 2, so 2 plus 2 4 minus 1 is 3, so arr dot get 3 minus I value 2, arr यहाँ पे 7 minus 4, now this will 7 minus 4 that is 3. अभी 3 को चेक करेंगे क्या 3 is less than minimum 1 है क्या, नहीं है, so also this will be not executed. अभी हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, लेकिन हमने यहाँ पे कंडीशन ली है, नहीं आई की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी, लेकिन दिस कंडीशन इज आई इज लेस देन और इक्वल टू 2, सो लूप विल बी टर्मिनेटेड एंड आवर आंसर विल बी 1. सो हियर वी कैन सी इन दिस अरे द आंसर विल बी 1 दैट इज 2 माइनस 1. This is a way we can solve. Now let's run this code. Compilation error. यहाँ पे n that is size of array list arr dot size. Let's run this code. Yes, run हो चुका है. Submit the code. Submit भी हो चुका है. So in this way we can solve this question. So if you want this code, I will give the link in the description of this code. From there you can find this code.